मेरा कार से कार में हेलमेट का चालान कटा हुआ है, इस वजह से हम हेलमेट लगा के चल रहे हैं, 1000 रुपए का चालान है। अगर मेरे महीने में 20 चालान ऐसे कट गए तो मेरी सैलरी तो चालान में ही चली गई। तो मजबूरी है हेलमेट लगा के, जहाँ भी हम जा रहे हैं आजकल, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो हेलमेट ही लगा करके जा रहे हैं, बिना हेलमेट के नहीं। क्योंकि कानपुर की पुलिस है, इसको सिर्फ चालान से मतलब होता है, चाहे जिसमें चालान काटे चालान काट देती। दूसरा मेरा चालान कटा ऑटो का, ऑटो है, मेरी गाड़ी नहीं है और है मेरी कार का नंबर, लेकिन चालान काट दिया, नो पार्किंग का। तो ये है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस वाले अगर एम्बुलेंस जाम में फंसी उसको हटाने का ध्यान नहीं देंगे कि उसको निकाल दिया जाए, वो सिर्फ ध्यान देंगे चालान काटने में कि पीछे ये बंदा आगे निकल जाए, पीछे से हम इसकी फोटो खींच लें और चालान इसका खुद ठोक दें। ये हद कर रखे हैं पुलिस वालों ने। क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि वो ट्रैफिक पर ध्यान दें और ना कि चालान पर ध्यान दें। जो गलत है उसका चालान काटें, ये नहीं कि अगर बाहरी नंबर की गाड़ी है वो सही है उसको भी रोक लेते हैं। इन लोगों ने ये हाल बना के रख दिया है। और ये ध्यान दें कि जो ऑटो वगैरह ठीक चौराहे खड़ी होती है उसको कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़ी कराएं और उस पर ध्यान दें कि जाम ना लगे, एम्बुलेंस वगैरह ना फंसे, इस पर ध्यान दें। चालान काटना इनका फर्ज नहीं है, इनका